वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बेसिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये वीडियो सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसमें स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। और आज ये हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर्स का पार्ट टू है। इसके पहले के पार्ट में हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए थे जिसमें हमने आपको बताए थे कि पर्टिकुलर लाइन के ऊपर अगर कहीं कोई पॉइंट है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना विदाउट प्रोटेक्टर। और आज हम स्टडी करेंगे लाइन के बाहर, मतलब आउटसाइड द लाइन, अगर कोई पॉइंट है और वो पॉइंट से अगर लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विदाउट प्रोटेक्टर तो कैसे ड्रॉ करना, वो आज के वीडियो में हमें स्टडी करना है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, काफी ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। देखो ये सीरीज में हमें इतने टॉपिक्स कवर करना है। पहला टॉपिक है बाइसेक्टिंग अ लाइन एंड कर्व। इसका वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि लाइन या कर्व को कैसे बाइसेक्ट करना। उसके बाद हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। उसमें दो पार्ट है, पहले पार्ट ये ऑलरेडी हो गया जिसमें हमने 3 एग्जांपल्स लिए थे, आज हम ये और 3 एग्जांपल्स लेंगे तो आज ये पूरा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टडी करते हैं आज का टॉपिक जिसमें हमें ये देखो, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको क्या बताए थे वो हम आपको बता देते हैं। इसके पहले जो हमने पार्ट 1 देखे थे हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर का, उनमें हमने ये 3 एग्जांपल्स लिए थे। उसमें हमने बताए थे कि लाइन के ऊपर अगर कहीं पॉइंट है तो कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना विदाउट प्रोटेक्टर, ये था इसके पहले का पार्ट। और आज की वीडियो में हम देखो, आज हम फिर से 3 एग्जांपल्स लेंगे। हमने देखो 3 लाइन ऑलरेडी बना के रखे हैं, यहां पे हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द लाइन है तो कैसे ड्रॉ करना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आउटसाइड द लाइन वाले में ही दिक्कत होती है। अगर कोई पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को विदाउट प्रोजेक्टर आ जाता है, लेकिन अगर आउटसाइड द लाइन है वही गलती होती है और वही आपको समझना है कि कैसे। देखो यहां पे 3 एग्जांपल्स लेंगे, तो ये है लाइन ए बी जहां पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हम आउटसाइड पॉइंट ले लेंगे, देखो तीनों लाइन को हम नेमिंग दे देंगे लाइन ए बी, और हमारे साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ करो क्योंकि ड्राइंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सीरीज हमने जो शुरू किए हैं ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा में, बीटेक में, बीई में और आर्किटेक्चर में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो उनके लिए ये पूरी सीरीज है। उनको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। पूरे सिलेबस में इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होने वाले हैं, आपका ड्रॉइंग जो है वो इसी से स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको ये सीरीज बहुत ही सीरियसली पढ़ना है और सभी जो हम यहां पे ड्रॉइंग कर रहे हैं वो आपको अपने ड्रॉइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके देखना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल यहां ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो हमने क्या किया है, लाइन ए बी के ऊपर यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे, लाइन ए बी के बीच में कहीं यहां ऊपर में एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लो ये पॉइंट है पॉइंट पी, हमें ये पॉइंट पी से लाइन ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये एग्जांपल 1 में रहेगा। एग्जांपल 2 में हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन ए बी है उसके या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में कहीं पॉइंट लेंगे, जैसे हमने यहां राइट साइड में यहां कहीं पे भी पॉइंट ले लिए, ये है पॉइंट पी। यहां से लाइन ए बी के ऊपर कैसे लाइन कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो स्टडी करेंगे। और जो तीसरा एग्जांपल रहेगा वो तो बहुत ज्यादा यूनिक रहेगा, बहुत हटके रहेगा, वो आपको समझना है, उसके बारे में हम बाद में बताते हैं। चलो पहले ये एग्जांपल को देखते हैं कि पी आउटसाइड द लाइन ए बी है, यहां से हम कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब जाहिर सी बात है हमें प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है ड्रॉ करने के लिए, पूरा ड्रॉ होने के बाद हम प्रोटेक्टर से सिर्फ चेक करेंगे कि जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है वो सही है कि नहीं। अब यहां पे सिर्फ हमें एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, वो है कंपास, तो हम सिर्फ कंपास का यूज करने वाले हैं, तो हमने ये कंपास ले लिए। ठीक है, अब देखो यहां पे कैसे यूज होगा और कैसे ये सब ड्रॉ होता है। तो ये कंपास क्या करना है, आपको कंपास में कुछ भी लेंथ ले लेना है और कंपास का सेंटर पी पे रखना है। ये देखो हमने कंपास का सेंटर यहां पी पे रखे और कंपास में आपको कुछ भी लेंथ ले लेना है। देखो कुछ भी लेंथ लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ही छोटा लेंथ लेना है, इतना तो लेंथ रखो कि ये लाइन ए बी से, मतलब ये देखो पी और लाइन ए बी का ये जितना लेंथ है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना, पी और ए बी के बीच में जो लेंथ है उससे थोड़ा सा ज्यादा का लेंथ आपको ले लेना है। तो ये हमने ये इतना लेंथ ले लिया, ओके। और अब हम क्या करेंगे, ये कंपास का सेंटर पी पे रख के यहां पे एक आर्क बना देंगे। तो ये देखिए इधर हमने कंपास रखे और यहां से हम आर्क बना रहे हैं, ये देखिए ये हमने आर्क बना देंगे ऐसा, इस तरह से ये हमने आर्क बना दिए, ओके। अब यहां पे जहां जहां पे कटा है वहां पे नेमिंग दे दो, तो इधर कटा हम इसको सी कहेंगे, इधर कटा हम इसको डी कहेंगे, ओके। और अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से कंपास लेना है, सी डी
जो सी से डी का लेंथ है इससे थोड़ा सा छोटा लेंथ आपको कंपोस्ट में लेना है, सी डी से छोटा, ठीक है। तो ये हमने कंपोस्ट ले लिया सी डी से छोटा, कंपोस्ट का सेंटर रखो सी पे, कंपोस्ट का सेंटर सी पे है, ओके। और सी डी का जो पूरा लेंथ है ये देखो, ये पूरा लेंथ सी डी का है, उससे थोड़ा सा कम लेंथ कंपोस्ट में ले लो। तो ये हमने थोड़ा सा कम लेंथ ले लिए, और ये लेंथ लेके आपको नीचे आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो हम नीचे यहां आर्क बना देंगे, तो ये हमने कंपोस्ट का सेंटर सी पे रखे, और अब देखिए ये आर्क हम बना देंगे, ये देखो ये हमने आर्क बना दिए, कंपोस्ट का सेंटर सी पे है और यहां पे हमने आर्क बना लिए। अब सेम लेंथ आप कंपोस्ट का सेंटर डी पे रखो, लेंथ सेम रहेगा, ठीक है। कंपोस्ट का सेंटर हम यहां डी पे रख रहे हैं, एक मिनट यहां पे हमें लेंथ सेट करने दो, यस कंपोस्ट का सेंटर डी पे है। और अब आपको ये जो आर्क बनाया है इसके ऊपर आपको कट करना है, तो ये देखो हमने ये कट कर दिए, ये देखिए, और यहां पे हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल चुका है। ये जो पॉइंट मिला है इसको बोलो पॉइंट क्यू, और आपको क्या करना है पी और क्यू को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए ऑब्वियसली हम स्केल का यूज करेंगे, स्केल से हम यहां पे इसको सेट कर लेंगे स्केल को प्रॉपरली। तो ये देखिए ये हम स्केल से इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमने पी एंड क्यू को ज्वाइन कर दिए। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये जो पी एंड क्यू है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ए बी आ चुका है। चलो इसको चेक करके देखते हैं प्रोटेक्टर से, प्रोटेक्टर ले लेंगे। तो ये हमने प्रोटेक्टर ले लिया, आप देख सकते हैं इसको, ये देखो ये प्रोटेक्टर से हम यहाँ चेक करके देखते हैं यहाँ ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ए बी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये देखिए है लाइन ए बी के ऊपर ये पी क्यू जो है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, और हमने पॉइंट पी जो है वो आउटसाइड द लाइन लिए थे, और इस तरह से हमने ये कंस्ट्रक्शन पूरा किया। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल आज का, आई होप आपने भी ये हमारे साथ साथ ड्रॉ किए होंगे। चलो अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, जैसा हमने कहा था कि सेकंड एग्जाम्पल में हमें पॉइंट पी जो है वो लाइन ए बी के बीच में कहीं नहीं रखना है, साइड में रखना है। यहाँ पे क्या था, लाइन ए बी के बीच में हमने कहीं पे भी पॉइंट लिए थे, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट पी है वो बी के तरफ है। और अब ये कंडीशन में पॉइंट पी से लाइन ए बी के ऊपर कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना वो समझ लो आप, ठीक है। अब ये एक नया रहेगा, ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली हमें कंपोस्ट का यूज करना है, तो ये हमने कंपोस्ट ले लिए, ठीक है। अब कंपोस्ट का यूज कैसे करना है वो समझ लो। यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके पहले जो पॉइंट पी था वो ए बी के बीच में था, तो ये एक आर्क से काम बन गया था, लेकिन यहां पे एक आर्क से काम नहीं बनेगा, यहां पे आपको दो से तीन आर्क बनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पी जो है वो साइड में है। तो सबसे पहले क्या करो, कंपोस्ट का सेंटर ए पे रखो और ए से पी का लेंथ ले लो। ये देखो कंपोस्ट का सेंटर हमने ए पे रखे, ये आ गया ए पे। अब ए से पी का लेंथ ले लो, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ए से पी का लेंथ हमने ले लिए, समझ लो ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। ए से पी का लेंथ ले लिया, अब क्या करो आर्क बनाओ। ये देखो ये हमने आर्क बना दिए पूरा, यहां यहां तक ऐसे एक आर्क बना दो, ये देखो ये आर्क दिख रहा है आपको। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जरा ध्यान से सुनो, अब ये जो आर्क है ये आर्क लाइन ए बी पे कहां क्रॉस कर रहा है वो चेक करो। तो ये देखो लाइन ए बी पे ये जो आर्क है यहां पे क्रॉस कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना जहां पे क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट को बोलो पॉइंट सी। ये देखो यहां पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, बी के थोड़ा सा पहले। अब क्या करो, कंपोस्ट ले लो, कंपोस्ट का सेंटर रखो सी पे, देखो कंपोस्ट का सेंटर सी पे, और सी से पी का लेंथ कंपोस्ट में ले लो। क्या करना है, सी से पी का लेंथ, ओके। और अब इतना लेंथ लेके ये जो लेंथ है ये लेंथ आप इधर से एक आर्क बना दो, इधर से ये साइड से, तो ये साइड से हम आर्क बना देंगे, ये देखिए हो गया। अब ये जो हमने आर्क बना दिए, ये लेफ्ट साइड वाला आर्क राइट साइड वाले आर्क पे देखो कहां पे क्रॉस हो गया, कहां पे क्रॉस कर रहा है, देखो यहां पे क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट को बोलो पॉइंट क्यू। बस अब ये पी एंड क्यू को ज्वाइन कर लो, तो पी एंड क्यू को ज्वाइन करते ही हमें जो लाइन मिलेंगी वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ए बी रहेंगी। तो इसके लिए हम यहां पे स्केल ले लेंगे, तो हमने स्केल ले लिए, और अब देखो यहां पे हम इसको ज्वाइन करेंगे, और अब देखिए ये देखिए हमने ज्वाइन कर दिए, ये देखिए अब आप देख सकते हैं ये जो लाइन बनी है पी क्यू ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ए बी है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, चलो हम इसको प्रोटेक्टर से चेक करेंगे। ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए, और अब आप देखिए प्रोटेक्टर हमने यहां बीच में रखेंगे, आप देखिए यहां पे जहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ये देखिए आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है एग्जैक्टली। देखो ये लाइन ए बी और ये लाइन पी क्यू आपको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर दिख रहा है। आई होप आपको ये सेकंड भी समझ में आया होगा, और ये आपने अपने ड्रॉइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके रखा होगा। चलो अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल्स हो गए। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल के लिए हमने यहां लाइन ले लिए, और अब देखो यहां पे पॉइंट पी हम कहां लेंगे, तो हम यहां फिर से बीच में कहीं यहां पॉइंट पी लेंगे।
तो ऑब्वियसली हमें प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, कंपोस्ट का यूज करना है, तो हमने कंपोस्ट ले लिए। और अब यहाँ पे कंपोस्ट में लेंथ कितना लेना है वो सुनो। कंपोस्ट में लेंथ जो है वो जैसा आपने फर्स्ट एग्जांपल में लिए थे बिल्कुल वैसा ही है, मतलब पी से ए बी के बीच में जो लेंथ है उससे थोड़ा सा ज्यादा का लेंथ लिए थे ना, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। पी और ए बी के बीच में जो लेंथ है उससे थोड़ा सा ज्यादा का लेंथ लो। तो ये देखो पी और ए बी के बीच का लेंथ देखो, अगर हम चेक करेंगे देखो पी से ए बी का लेंथ इतना है, ओके इससे थोड़ा सा ज्यादा का लेंथ ले लो। तो ये हमने इससे थोड़ा सा ज्यादा लेंथ ले लिया है। कंपोस का सेंटर पी पे है और ये जो लेंथ है ये लेंथ लेके यहाँ पे एक आर्क बना दो, यहां से ऐसे एक आर्क बना दो। तो ये देखिए हम आर्क बना देंगे, ये देखिए ये हमने आर्क बना दिए, ये देखिए आर्क बन गया। अब ये लाइन ए बी के ऊपर जहां पे कट रहा है उसको नेमिंग दे देंगे, जैसा हमने फर्स्ट में किए थे सी एंड डी। आप बोलेंगे ये तो प्रोसेस वही है जो फर्स्ट में किए थे, यस बिल्कुल इनिशियल प्रोसेस वही है, थोड़ा सा बाद में चेंज है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको कंपोस में लेंथ लेना है, कितना लेंथ लेना है अब वो सुनो। इसके पहले आपने जो लेंथ लिए थे ना उससे ज्यादा, इसमें ये जो हमने पहला आर्क बनाया ना, ये पहले आर्क देखो हम यहाँ पे आपको रेडियस बता देते हैं। देखो पी से लेके यहां तक का लेंथ, तो ये जो रेडियस है ये रेडियस को बोलो आर वन, ये रेडियस को हम बोलेंगे आर वन, इसको हमने बोले आर वन। ये रेडियस का यूज करके ये आर्क बना दिए। अब क्या करो कंपोस में इससे ज्यादा का लेंथ लो, मतलब आर टू जो रहेगा वो आर वन से ज्यादा रहना चाहिए। तो हम यहां लिख के भी देते हैं कंडीशन कि आर टू मस्ट बी ग्रेटर देन आर वन होना चाहिए, आर टू मस्ट बी ग्रेटर देन आर वन। अगर ये कंडीशन पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो ही वो मेथड काम करेंगी। अब देखो सेकंड रेडियस हम लेंगे, तो हमने कंपोस ले लिए, ओके और कंपोस में लेंथ जो है आर वन से ज्यादा रहना चाहिए। तो कंपोस में हम पहले तो आर वन का लेंथ ले लेते हैं, ये देखो ये है आर वन का लेंथ, ठीक है ये है आर वन का लेंथ। अब इससे ज्यादा का लेंथ लेते, कितना भी ज्यादा लो चॉइस आपकी है। तो हमने इतना ले लिया समझ लो, ये लेंथ हमने ले लिए। अब ये लेंथ लेके हमें ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है। अब कंपोस का सेंटर सी पे रखो, ये देखो ये हमने कंपोस का सेंटर सी पे रखे और क्या करो ऊपर कट करो, ऊपर ऐसे आर्क बना दो ऊपर में, ठीक है ऊपर में आर्क बना दो। ये देखिए हमने ऊपर में आर्क बना देंगे, ये देखिए कंपोस का सेंटर सी पे रखे, आर टू का लेंथ यूज किए और हमने ऊपर आर्क बना दिए। कंपोस का सेंटर अब सेम लेंथ कंपोस का सेंटर डी पे रखो, कंपोस का सेंटर हमने डी पे रखे और सेम लेंथ उतना ही जो इसके पहले था और ये आपने जो आर्क बनाए थे उसके ऊपर क्रॉस कट करा दो। ये देखो हमने कट करा दिए, ओके अब इससे आपको क्या होगा, इससे यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया। ये देखो यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला, ये है क्यू, ठीक है और यहां पे जो रेडियस है वो हम आपको यहां बता देते हैं। ये देखो क्यू से लेके इधर का सी पे रख के हमने आर्क बनाया ना, हमने सी पे रख के आर्क बनाया, ये देखो और डी डी पे रख के आर्क बनाया। तो इधर का जो रेडियस है वो है आर टू, ये आर टू है ये वाला, और इसके पहले वाला आर वन था वो मिटा दिए थे तो लिख देते हैं ये अंदर वाला आर वन है। अच्छा अब ये सब करने से क्या हुआ, अब ये सब करने से हमें जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला है ये क्यू, अब क्या करो ये पी एंड क्यू को ज्वाइन कर लो। पी एंड क्यू को ज्वाइन करने के लिए हम स्केल ले लेंगे, तो हमने ले लिए और अब ये हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे पी एंड क्यू, बस ज्वाइन करो। तो ये देखिए पी एंड क्यू को ज्वाइंट हमने कर लिया है, आप देख सकते हैं ये देखिए ये पी एंड क्यू को हमने ज्वाइन कर लिए, ओके अब क्या करो ये पी एंड क्यू को नीचे एक्सटेंड करो, पी एंड क्यू को नीचे एक्सटेंड करो। तो नीचे एक्सटेंड करने के बाद ए बी के ऊपर जहां क्रॉस करेंगे ना वही आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वही लाइन को हम नीचे आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे हम यहां से नीचे एक्सटेंड कर देंगे, ये देखो हमने एक्सटेंड कर दिए, अब आपको दिख रहा है, अब आप देख सकते हैं जो लाइन है वो ए बी के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ चुकी है। ये देखिए हम यहां पे चेक भी कर लेंगे प्रोटेक्टर से, हमने प्रोटेक्टर ले लिए, ये देखो और ये हम यहां चेक कर लेंगे, आप देख सकते हैं यहां पे ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ चुका है, देखो है ना। तो ये एक नई मेथड है, ये एक यूनिक मेथड है, ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे इस तरह से हमने आपको आज के वीडियो में तीनों मेथड बता दिए आज के परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, कि अगर पॉइंट आउटसाइड द लाइन हो तो कैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है गिवन लाइन के ऊपर। ये देखो पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन था, परपेंडिकुलर बना दिए, और यहां पे जो पॉइंट पी है वो एट द साइड ऑफ लाइन था, लाइन के थोड़ा सा साइड में था, वहां पे भी हमने परपेंडिकुलर बना दिए और ये भी मेथड हमने आपको दे दिए। एग्जाम में जब आप ये मेथड का यूज कर रहे हैं तो ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाया है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है। आपको बस ये लाइन ए बी और ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है।
और इस तरह से ये फाइनली हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर्स का जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जैसा हमने कहा था कि हमें यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स कवर करना है, तो पहले दो टॉपिक्स यहाँ कवर हो चुके हैं, बाइसेक्टिंग द लाइन वो तो पहले ही हो गया था, एंड हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर्स के टोटल सिक्स एग्जाम्पल्स हमने ले लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए थे और आज के लेक्चर में हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये देखो ये प्रीवियस लेक्चर के 3 एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये और आज के लेक्चर के 3 एग्जाम्पल्स ये है। तो आई होप आपको ये सभी जो परपेंडिकुलर्स कैसे ड्रॉ करना ये सभी एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। ये आपको अपने ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करके इसकी जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हमें और आगे के टॉपिक्स कवर करना है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ये सीरीज पूरा देखिए और इसमें हम जो भी आपको ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं आप अपने ड्रॉइंग बुक में प्रैक्टिस बुक में जरूर से ड्रॉ करके देखिए और फेयरली बिल्कुल ड्रॉ करके देखिए, रफली ड्रॉ मत करो क्योंकि ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कैसे करना वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।